है। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड थ्री ऑनलाइन चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उससे आप संतुष्ट होंगे। थोड़े भी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि कोई भी न्यूज निकल के आप लोगों से मिस ना हो, ठीक है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ जो कि डीडी को लेके कुछ प्रॉब्लम है, जहाँ पे कुछ बच्चों को रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल रही है और वहीं पे कुछ बच्चों को बोला जा रहा है कि जब आपका री मेडिकल होगा उस टाइम आप कैरी कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा केस मेरे सामने कल आया, ठीक है। तो इसके कारण मैं आप लोगों को पूरी जानकारी इस वीडियो में दे दूंगा क्या हुआ है और उनको क्यों रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल गई है और यहाँ पे क्यों इनको ये हो रहा है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि ये जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है, अगर थोड़ी बहुत आपकी में गलती है तो डिपेंड करता है कि आपका जो डीएमई सेंटर है वो कैसे, अगर आपके फॉर्म में थोड़ी बहुत गलती है या तो आपने जब अपील किया तो उसमें कुछ मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे आपकी जो डीएमई सेंटर है उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसा चेक कर रहा है फॉर्म को। कहीं कहीं पे ऐसा हो रहा है कि डीडी नहीं पहुंचने के कारण उसको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल जा रही है, और कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि डीडी नहीं पहुंचने के कारण जब आपको बुलाया जा रहा है, जब आपका नोटिस आपको सेंड कर दी जा रही है कि जब आपका रिव्यू मेडिकल होगा यानी कि आरएमई होगा तो उस टाइम आप उसको कैरी कर लीजिएगा। ऐसा ही केस मेरे सामने कल आया है तो मैं आपको इसके अकॉर्डिंग आपको पूरी जानकारी दे दूंगा, ठीक है। उसके पहले कुछ और कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ और क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे हैं तो सोचा उसको भी मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या यूपीपी या तो स्टेट पुलिस की जॉब बेटर है या तो एसएससी जीडी की जॉब बेटर है। तो मैं आपको सीधे बता दूं कि यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों में आपको एसएससी जीडी बेटर लगेगी और कहीं कहीं आपको स्टेट पुलिस की आपकी जो है वो जॉब बेटर लगेगी। तो फर्स्ट की बात कर लूँ, यहाँ पे सैलरी की अगर मैं बात कर लूँ तो सैलरी बहुत फर्क पड़ जाता है, ठीक है, जो आपकी एसएससी जीडी है और यूपीपी की जो कि आपकी सैलरी है, ठीक है, उस पर बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ जा रहा है, ठीक है। करीब करीब कहीं कहीं ऐसा होगा कि आपको दुगुना का भी फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। आपको एसएससी जीडी में ऐसी कहीं कहीं आपकी पोस्टिंग हो जाएगी कि आपको डबल पेमेंट मिलेगा और यहाँ पे यूपीपी में नहीं मिलेगा, ठीक है। और फिर दूसरी बात यह आती है कि यहाँ पे बेनिफिट ये है यूपीपी की, अपने स्टेट में रहेंगे, हो सकता है कि कुछ टाइम बाद अपने डिस्ट्रिक्ट से जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में आपकी ज्वाइनिंग हो जाए तो आप हफ्ते में या तो दो दिन पे चार दिन पे अपने घर भी आ सकते हैं एक रात दो रात के लिए, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो जीडी होती है वहाँ पे आपको पता नहीं होता कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होने वाली है, कहीं किसी स्टेट किसी और स्टेट में कहीं कहीं और स्टेट में हो जाएगी, यानी कि वो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है तो आपको दूर रहना पड़ेगा फैमिली से। अगर फैमिली चाहते हैं तो यूपीपी या तो आपकी जो स्टेट पुलिस की गवर्नमेंट जॉब है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको सैलरी चाहिए और फोर्स में जाने की तमन्ना हो तो फिर आप एसएससी जीडी की कर लीजिए, ठीक है। और ऐसे ही बहुत ही बेनिफिट मिलते हैं उसमें और जो कि यूपीपी में नहीं मिल पाता है, और सैलरी की बात नहीं है, बहुत सी फैसिलिटी भी आपको एक्स्ट्रा उसमें मिलती है, ठीक है। अभी अभी एक कमेंट आया कि क्या सर एसएससी जीडी की कोरोना वायरस के कारण ये भर्ती रद्द हो जाएगी, तो बिल्कुल रद्द नहीं होने वाली है, कहाँ से ये ऐसे अफवाह उड़ के आ जा रहा है, ठीक है। ऐसी अफवाह मत उड़ाइए, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी अफवाह उड़ा के आप स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी अफवाह प्लीज ना उड़ाइए। इसके पहले भी मैं एक वीडियो में बना के प्रॉपर आपको समझा चुका हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, थोड़ी सी सिचुएशन हमारे अंडर आती है, तो आपको ये आरएमई की डेट मिल जाएगी और आपका आरएमई होगा। उसके बाद आपकी जल्दी से फाइनल रिजल्ट भी आ जाएंगे और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर भी आने प्रोसेस सारे स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे लॉकडाउन खत्म होता है ऐसे ही आपका सारे प्रोसेस जो है भर्ती प्रक्रिया की वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी अफवाह प्लीज ना उड़ाइए कि ये भर्ती रुकने वाली है, कुछ नहीं होने वाला है। जैसे थोड़ा सी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में आए उसके बाद आप लोगों को सारी ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी फिर से, ठीक है। और एक भाई ने और कमेंट किया था कि सर मेमोरेंडम फिट कैंडिडेट को क्यों आ रहे, तो मैं उनको समझा दूं कि मेमोरेंडम इसलिए आती है अगर आपके किसी अपील जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाला था उसमें कुछ गलतियां हैं, ठीक है, और आपके हाई स्कूल मार्कशीट या किसी भी सर्टिफिकेट में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, किसी भी सर्टिफिकेट में यानी कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका ये डोमिसाइल हो गया, किसी भी सर्टिफिकेट में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको मेमोरेंडम सेंड किया जाता है कि ये आपका जो कि आपका जो फॉर्म है उसको यहाँ पे देखने के बाद चेक करने के बाद आपका जो है कि ये गलती पाई गई है, आप इसको सही कराने के लिए आपको मेमोरेंडम सेंड किया गया है, 100 रुपये की एफिडेविट लगाकर आप उसको सही करवा सकते हैं, यही प्रोसेस होता है, ठीक है। तो मेडिकल फील्ड कैंडिडेट को अगर कुछ गलतियाँ हैं तो उनको मेमोरेंडम ही सेंड किया। और इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कटआप के बारे में बहुत से कमेंट आते हैं कि सर मेरा 4 नंबर या 5 नंबर, मैं इस एरिया से बिलोंग करता हूं और मेरा हो जाएगा कि फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मैं बता दूं कि इस बारी जो है कटआप बहुत कम बढ़ने वाली है। आपको पता है कि चूंकि आपका जो फाइट है कि लगभग अंदर ही आ चुका है, ठीक है, आपकी फाइट जो है कि दो कैंडिडेट के अंदर ही
और सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूँ कि अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, अगर आप यूपी के जनरल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, या तो बिहार के जनरल डिस्ट्रिक्ट से, या तो राजस्थान के, ऐसे जहाँ पे कट ऑफ हाई गया है, ठीक है, अगर वहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो अगर आपका 1 से 2 नंबर प्लस रहा, जनरल ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपका 1 से 2 नंबर अगर मेरिट से प्लस है, ठीक है, जो आपकी मेडियल कट ऑफ है उससे अगर 1 से 2 नंबर भी आपका प्लस है, तो 100% आप सेफ है, ठीक है, आप यहाँ पे मेरिट उतनी नहीं बढ़ने वाली है। और अगर मैं जैसे बात कर लूँ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की सी, या तो आपका जो नक्सल एरिया है वहां की मैं बात कर लेता हूँ, तो वहां पे भी कट ऑफ जो है कि बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है आपका, मैक्सिमम बढ़ेगा 4 नंबर से ज्यादा नहीं, लिख के दे दे रहा हूँ, वहां पे आपका 4 नंबर से ज्यादा प्लस हो ही नहीं सकता है किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, तो आपको तो वहां पे ज्यादा कट ऑफ आपकी बढ़ने वाली नहीं है, ठीक है। और जो एरिया है और जो स्टेट है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों से जल्दी मैं बात कर लूंगा, और मैं एक मैक्सिमम कट ऑफ लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। जैसे ही रिमेडिकल खत्म होता है मैं एनालिसिस कर लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को एक प्रॉपर वीडियो, एक कट ऑफ फिर वीडियो डालूंगा, और उससे ज्यादा आपकी मेरिट 100% नहीं बढ़ सकती है, अगर आप उसके अंडर हो तो अपने आप को सेफ मानिएगा, ठीक है। तो आपकी जो ये कट ऑफ की वीडियो है, आपकी जो आरएमई हो जाने के बाद थोड़ा सा मैं थोड़ा सा देख लूंगा, उसके बाद आपको इस पे आपको एक वीडियो प्रॉपर मिल जाएगी, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो और ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं कि क्या सर आरएमई का डेट आने से पहले मेडिकल जो फिट है उनकी लिस्ट लग जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जब तक आरएमई नहीं होगा तब तक आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आने वाला है, दोनों का एक ही साथ होगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर आप मेडिकल फिट हो तो आपका पहले ज्वाइनिंग हो जाएगा, आज जिनको रीमेडिकल मिला है उनकी ज्वाइनिंग लेट होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का साथ में होने वाला है, जैसे ही रीमेडिकल खत्म होगा आपकी फाइनल मेरिट एक साथ लग जाएगी, ठीक है। तो चलिए सीधे आपको वो नोटिस दिखाते हैं जिनमें डीडी की प्रॉब्लम होने के कारण उनको फिर से जो रिव्यू मेडिकल है उस टाइम उनको बुलाएगा कि आप उस टाइम कैरी कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दे रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये हेडक्वार्टर, तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये सेक्टर हेडक्वार्टर एसएसपी जिला अल्मोड़ा उत्तराखंड से ये सेंड किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे डेट डिस्पैच डेट भी लिखा हुआ है, 6 मार्च को डिस्पैच किया गया था, और यहाँ पे इनका कुछ पर्सनल डिटेल थे जैसे कि रोल नंबर, नाम, फादर्स नेम, ईटीसी, ठीक है, तो उसको मैंने हाइड रख कर रखा है। और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे दिखाते हैं आपको क्या है, ठीक है, किसके कारण इनको सकते हैं, इनको डायरेक्ट रिजेक्शन स्लिप नहीं मिला है, ठीक है, इनको एक नोटिस सेंड की गई, यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है सब्जेक्ट में, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल जीडी 2018, ठीक है। तो आप नीचे थोड़ा सा स्क्रीन डाउन करके थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, उसके बारे में आपको फुल इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, ठीक है। ऑन स्क्रूटनी ऑफ योर अपील एप्लीकेशन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट हैव नॉट बीन फाउंड, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कुछ डॉक्यूमेंट है आपके वो फाउंड नहीं किए गए हैं, उनको मिले नहीं है, ठीक है। तो पहले की मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पे डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 25 रुपये इन फेवर ऑफ डीआईजी एसक्यू या एसएसबी अल्मोरा, जो आपकी डीआईजी या हेडक्वार्टर जो है कि उसको 25 रुपये की आपकी जो डिमांड ड्राफ्ट है वो नहीं मिली है, ठीक है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पे किया गया है कि सेल्फ एड्रेस इवेलोप्स विदाउट पब्लिक पोस्टेज स्टैम्प्स, यानी कि कुछ आपने जो डाक टिकट है उसके अकॉर्डिंग आपने नहीं लगाया था उस पर, ठीक है, वो भी नहीं मिला है उनको, ठीक है। तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, इनसे कहना क्या जा रहा है इस रोटी के माध्यम से, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि इंश्योर टू 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 कैरी दी सेम टाइम सेम एट द टाइम ऑफ रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, जब आपका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन हो तो उस टाइम इस चीज़ों को कैरी करके लेके आइएगा, ठीक है, आप साथ में लेके आइएगा, आपका डीडी भी चाहिए और ये जो पोस्टेज पब्लिक पोस्टेज स्टाम्प्स की बात कर रहा है ये भी साथ में होना चाहिए, ठीक है, इन दोनों को साथ में आपको कैरी करके वहाँ पे जब आपका आरएमई हो तो आपको साथ में लेके जाना है, ठीक है, इनको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं मिली है। और कहीं कहीं पे ऐसा हो जा रहा है कि अगर आपने डीडी को भूल गए, आपने किसी कारण आपने डीडी को नहीं लगाया तो आपको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको आई बटन में, ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूँ आपको आई बटन में, यहाँ पे आई बटन में आपको ऊपर मिल जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बंदे को अगर डीडी नहीं लगाया था उनको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल गई है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे आई बटन में आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, उसको क्यों मिली है, क्या छूटा था उनके उनके जो कि रजिस्ट्रेशन स्लिप उनको मिला है तो उसमें क्या लिखा गया, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दे दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही था,
और बने रहिए 1 2 3 ऑनलाइन एग्जाम पे।